بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब फैसलाबाद से? जी हाँ सर, फैसलाबाद से। मेरे यहाँ ये कि अलमीना अकेडमी पहले मैंने अपने समाज साहब में भी जी मतलब बोल रहे जादू तला से हैं। उन्होंने अलमीन साहब के पास बैठ सकता हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने उसकी कोर्स किया है, साथ में ये अकेडमी का काम सिलसिला ये शुरू किया कि अवामी लीग में काम आपका कैसे है माशा अल्लाह। उसमें यह है कि इस्लामिक शार्ट कोर्सेज जो मसरूफ़ लोग हैं उनके लिए शॉर्ट कोर्स तैयार किए हैं 10 दिन के लिए। जैसे ये हदीस उस पिछले दिन मुझे हमारा मुकम्मल हुआ अरबी कोर्स 10 दिन का के लिए के साथ, क्योंकि मंदिर के लिए छोटे छोटे कोर्स हैं। तजीज तस्वीर कोर्स हो गया, इस किस्म के मीराज कोर्स हो गया, इस्तकबाल रमजान कोर्स हो गया, उसमें सीरत कोर्स जो हमारा सबसे ज़्यादा टॉप टेक किया है अलहमदिल्ला 10 दिन के। पूरी सीरत तमाम के सामने हर बंदा इश्क रसूल सल्लल्लाहु नाम तो ले रहा है, तो रबी लवल को उसके साथ मुंसलिम किया। तो अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा। वो अपने वलकादमी लबैद वलआफी ना हिंदास, क्योंकि मेरा खुद मौजूद तफसीर है और बलागत है। सही। तो जो आपने नुकता बयान किया मुझे ये था कि नुकता नुकता सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। होता है ना कि माफ़ मैं अरबी से लेता हूँ, उर्दू वालों ने उसको नहीं लिया, उसका अदबी ना भी बल्कि उसका वही करते हैं कि गुस्सा ना आए ना ना होता है बीजो 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 चले जाते हैं। स्कूल फर्स्ट क्लास से हम लेते हैं फर्स्ट सिलेबस के साथ। अच्छा। और 5 तक हर जो कुरान बच्चा होता है। अच्छा। इस क्लास से रहते हैं मैट्रिक तक कुरान बच्चा हाफिज़ बन गया। बच्ची वगैरह का सिस्टम है, बच्ची है फौतीन है तफसीर है मजली है और इसके साथ साथ वो रूहानियत और सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छे मैं तो समझता हूँ कि हर बंदा अपने हिस्से का काम करें और जो भी खैर के काम में किसी भी शक्ल में कर रहा है अल्लाह ताला उसको कबूल करे। देखो ना, मैं किसी ज़माने में लगता था जो मेरा काम वही है, वो जब दुनिया देखी तो पता लगा कि इतने काम और इतने शोबे हैं और इस शक्ल में लोग खैर के काम कर रहे हैं। और इस तरह बेशुमार ऐसे लोगों से दोस्तों से मेरी मुलाकात रहती है, मैं ढूंढता भी रहता हूँ, मेरी टीम ढूंढती रहती है जो किसी खास शोबे में अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बढ़ के नसीहत से बढ़ के अमली तौर पर कुछ कर रहे हैं, इसकी बड़ी जरूरत है इस वक्त। उनकी मुकम्मल तबलीग निकाले, जैसे तबलीगी जमात की तबलीग नहीं कर रहा, हर तरह की तबलीग आप निकालें तो वो उसकी मिकदार आप देखें, उसके मुकाबले अमल देखें। इसमें यह था कि हमारा पहले से था मियाँ साहब के साथ से पिछले साल से हम कोशिश भी लगे और शायद अगले साल हम इसमें कामयाब हो जाएँ। उसमें एक उलमा के लिए तखसुसी तफसीर कुरान की जितनी कुरान स्टडीज थी उसमें कंप्यूटर है भी जैन वगैरह थे, अगर मुआश के हवाले से करें इंग्लिश है और साथ में हमें तो अपनी फील्ड का पता रही है ना कि मस्जिद मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। होटल मैनेजमेंट तो कर ली है ना। सही जी। मस्जिद में एक इमाम जो है वो इमाम नमाज का नहीं है, पूरे मोहल्ले का। अच्छा। अगर कोई ये कहता है कि भाई आपको कंप्यूटर नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, ये चीज़ें ठीक है, तो मसला जैसे डॉक्टर को कहें कि भाई नक्शा बना के दे तो वो नहीं बना सकता। आया कि मैं मुतमैन हूँ डॉक्टर की तरह, मुझे मजहब आता है, ये मेरे पास मजहब है। सही। तो ये है कि यार जो ईमान वालों का मैसेज है वो एक मौके जमा कर दिया कि आप उसके नशों पर काम कर रहे हो, आ चुकी हुई इसकी हद पुस्त की है। सलाम वैसे भी लोग हैं चार फर्ज है जो ये तो फिर ये है कि दुआएं हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात होती है, बहुत ही शानदार। अच्छा, PDF में भी अवेलेबल है? जी जी, बहुत बड़ा काम किया। इसमें भी एडीए में भी यही चीज़ होती है, जैसे वो माल का है 1 रुपया लोगे तो अल्लाह पाक 10 देते हैं। इसमें तजर्बा ये किया है कि किसी को आइडिया देता है, ये इल्म देता है ना, उसका 100% ऐसे अल्लाह
وہی لفظ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا, پھر وہ موت اور زندگی صبح بھی لے. ٹھیک, ہونا تو یہی تھا کہ میں جاگا ہوں اور ترجمہ تو ہم وہی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے. واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرانک, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. واش روم سے اٹھا ہے, معاف فرما کا کوئی جوڑ نہیں مل رہا, جوڑ نہیں مل رہا. معافی کس چیز کی ہے کہ یا اللہ میں مجبور تھا, اپنی زبان کا ذکر نہیں کر سکتا تھا, اس پہ مجھے معاف فرما دے کہ میں یہ بنا چیز یہ ذکر کے بغیر نہیں. لیکن ہم حکمتوں میں جاتے ہی نہیں ہیں اور دعاؤں کا ترجمہ تک نہیں ہے, حکمتیں سے دور کی بات. اصل میں کلچر نہیں بنا, وہ ٹرینڈ نہیں بنا. پہلے دیکھیں پورا زور لگا کے چیز بنتی ہے, پھر اس کو مٹانے کے لیے پورا زور چاہیے ہوتا ہے. کسی زمانے میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں اتنا بڑا نمبر. لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير, بارك الله لكما وبارك.